ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए देश में 4 सस्ती जेनेरिक दवाओं का उत्पादन शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। सिखों के गुरु गुरु नानक देव के जन्म उत्सव प्रकाश पर्व के अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर निकाली गई शोभा यात्रा और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण बस्तर के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। देश में दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 4 जेनेरिक दवाओं का निर्माण शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इनसे दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों को कम कीमत पर दवाई मिल सकेंगी। 4 दुर्लभ बीमारियों टायरोसिनेमिया टाइप 1, गोचर्स रोग, विल्सनसंस डिजीज और ड्राविट लेनॉक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम के लिए ये दवाएं अब बाजार में उपलब्ध हैं। नीति आयोग के स्वास्थ्य संबंधी सदस्य डॉ वीके पॉल ने नई दिल्ली में कहा कि इन बीमारियों के लिए फिलहाल 8 दवाएं हैं, जिनमें से 4 बाजार में उपलब्ध हैं, बाकी 4 अनुमति की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय विनिर्माता ये दवाएं बना रहे हैं। टायरोसिनेमिया टाइप 1 को पीलिया, बुखार बिगड़ने और लीवर कैंसर से पहचाना जाता है। इसके उपचार के लिए नीटिसिनोन औषधि विकसित की गई है। वहीं गोचर्स रोग के उपचार के लिए एलिग्लुस्टेट दवा विकसित की गई है। इस बीमारी से रोगी का लीवर बढ़ जाता है और थकान होने लगती है। विल्सन्स डिजीज के कारण आरबीसी हीमोलोसिस हो जाता है। इसके उपचार के लिए स्वदेशी दवा ट्राई एंटीन विकसित की गई है। इसी तरह ड्राविट लेनॉक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम के उपचार के लिए कैनाबिडियोल विकसित किया गया है। इसका घोल मुंह के जरिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और आकाशवाणी समाचार वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप तथा नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत मतगणना का कार्य 3 दिसंबर को किया जाएगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से सभी तैयारियां की जा रही है। सभी जिलों में स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखा गया है, जिसकी सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल और पुलिस की तैनाती की गई है। बीजापुर जिले के स्ट्रांग रूम में केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ ही स्थानीय पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता भी निगरानी कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम में 245 ईवीएम मशीनों को रखा गया है, जहां सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस बीच बलरामपुर जिले में सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रकाश त्रिपाठी ने भेलवाडीह में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। वहीं कोंडागांव जिले के पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने चिखलपुट्टी स्थित आरक्षी केंद्र में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे चुनाव के दौरान लोगों से बेहतर समन्वय बनाकर काम करें। इधर बिलासपुर जिले में मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने बताया कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। यहां विधानसभावार 14-14 टेबल लगाए जाएंगे, जिनमें ईवीएम की मतों की गणना की जाएगी। वहीं 17 टेबलों में डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की है। यह उपाधि उन्हें ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के हाथों से प्रदान की गई। श्री हरिचंदन को यह सम्मान सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में सक्रियता के माध्यम से उल्लेखनीय जनसेवा के लिए दिया गया है। दुर्ग के अंजोरा में एनसीसी के घुड़सवार रेजिमेंट का 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 24 नवंबर से किया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ कैंप कमांडेंट कर्नल तुषार उपासनी ने किया।
3 दिसंबर तक चलने वाले इस शिविर में प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही मध्य प्रदेश के घुड़सवार रेजिमेंट के 400 अधिक कैडेट शामिल हो रहे हैं। शिविर में कैडेटों को सैन्य गतिविधियों के प्रशिक्षण के साथ ही घुड़सवारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में जशपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने गोंदिया बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस को कटनी जबलपुर नैनपुर बालाघाट होकर चलाने का निर्णय लिया है। इसके पहले इस ट्रेन को चंदिया रोड स्टेशन में तीसरीकरण लाइन निर्माण कार्य के कारण रद्द कर दिया गया था। इस बीच सर्दियों में कोहरे के कारण उत्तर पूर्व रेलवे जोन के तहत चलने वाली छपरा दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस को दिसंबर माह की कुछ तिथियों में रद्द किया गया है। वहीं निजामुद्दीन अंबिकापुर निजामुद्दीन साप्ताहिक स्पेशल एक्सप्रेस 5 दिसंबर से 27 फरवरी तक रद्द रहेगी। वहीं टाटानगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस को आज रद्द कर दिया गया है। यह ट्रेन 27 नवंबर को भी नहीं चलाई जाएगी। सिखों के गुरु गुरु नानक देव के जन्म उत्सव प्रकाश पर्व के अवसर पर राजधानी रायपुर सहित विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली गई। रायपुर में पंच प्यारों के अगुवाई में गुरुद्वारा स्टेशन रोड से नगर कीर्तन निकाला गया, जिनका विभिन्न व्यापारिक संगठनों और अन्य लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। इसी तरह राजनांदगांव जिले में गुरु नानक देव के जन्म उत्सव पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत नगर कीर्तन और शोभा यात्रा के साथ हुई। सिख समाज की ओर से नगर कीर्तन पर पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा की अगुवाई नन्हे घुड़सवारों ने किया। प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारों के साथ ही विभिन्न स्थानों पर भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कृषि महाविद्यालय के साथ स्वामी विवेकानंद कृषि कॉलेज और खाद्य प्रौद्योगिकी कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय डॉ गिरीश चंदेल ने कहा कि लक्ष्य लेकर कार्य करने से सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में नवाचार को अपनाएं और कृषि कार्य में तकनीकी विकास को बढ़ावा दें। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा ठेलकाडीह के ग्राम सिरसाही में उस वक्त हुआ जब 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। हादसे में मृत और घायल युवक ग्राम कोपेगांव निवासी बताए गए हैं। रायगढ़ जिले के बांधपाली में पिछले कुछ दिनों से 10 से 12 जंगली हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों के दल ने किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने मुनादी कराकर ग्रामीणों को हाथी के आसपास नहीं जाने की चेतावनी दी है। वहीं गांव वाले भी हाथियों पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ओर से दुर्ग के कुम्हारी में राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित इस चित्रकला प्रतियोगिता के तहत विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने ऊर्जा संरक्षण पर आधारित चित्रों को प्रदर्शित किया। पुरस्कार वितरण और समापन समारोह के मुख्य अतिथि लोक शिक्षण विभाग के निदेशक सुनील कुमार जैन थे। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पर्यावरण पर हो रहा है। उन्होंने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के इस्तेमाल करने की बात कही। इस अवसर पर प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी 1 दिसंबर को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए टिकट मिलना शुरू हो गया है। पेटीएम और इनसाइडर मोबाइल ऐप के जरिए टिकट की बुकिंग की जा सकती है। टिकट लेने के लिए रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भी केंद्र बनाया गया है। विद्यार्थियों के लिए 28 नवंबर से टिकटों की बिक्री शुरू की जाएगी। इसके लिए उनकी एक फोटो और पहचान पत्र अनिवार्य की गई है। विद्यार्थियों के लिए सामान्य टिकट के अलावा 1000 और 1500 रूपये की टिकट उपलब्ध रहेगी। मैच को लेकर छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह का माहौल है। वहीं बीसीसीआई ने स्टेडियम में विभिन्न खाद्य पदार्थों की कीमतें भी निर्धारित कर दी है। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण बस्तर के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक द्रोणिका उत्तर दिशा में स्थित है, इसके प्रभाव से हवा में नमी बढ़ेगी। वहीं न्यूनतम तापमान में भी विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे ने जिले में चिन्हित क्षेत्रों के 100 मीटर की परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। इन क्षेत्रों में सभी अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, जिला सत्र न्यायालय, मंत्रालय और सभी शासकीय कार्यालय शामिल हैं। जांजगीर चांपा जिले के पुलिस अधीक्षक ने जुआ के मामले में लापरवाही बरतने पर सारा गांव के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। रायपुर जिले की पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में चोरी करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। धमतरी जिले की बोराई पुलिस ने एक ट्रक से 80 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की कीमत 16 लाख रुपए बताई गई है। और जांजगीर चांपा जिला रोजगार कार्यालय द्वारा युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 30 नवंबर को जिला रोजगार कार्यालय में सुबह 11 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए देश में 4 सस्ती जेनेरिक दवाओं का उत्पादन शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। सिखों के गुरु गुरु नानक देव के जन्म उत्सव प्रकाश पर्व के अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर निकाली गई शोभा यात्रा और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण बस्तर के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।